आचार्य जी, यूं तो दीपावली के दिन हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में भी है कि गणेश जी की जब बात होती है तो रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी है उनकी बात होती है, लेकिन पूजा के वक्त गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ऐसा क्यों? ये गणेश जी धैर्य के कारक हैं और सर्वप्रथम पूजा करना कहीं ना कहीं उनको वरदान मिला हुआ है। जी माँ लक्ष्मी को ये पूरा त्योहार समर्पित है। कहते हैं कार्तिक मास की अमावस्या को उनका भी अवतरण हुआ जी और विष्णु जी ने फिर उनका वरण किया, जी तो इस वजह से, और लक्ष्मी की कहीं ना कहीं जरूरत हर किसी को है, उसके बिल्कुल बगैर शायद ये हम शो भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल निश्चित सही। तौर पर इसलिए गणेश जी के साथ एक तरफ जो धैर्य के परिचायक हैं, जिनकी जिनके जो बुद्धि के परिचायक हैं, और दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी जो धन की परिचायक है, अगर बुद्धि और धन का संगम हो जाए अदिति जी, तो जी उससे अच्छा संगम कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, और यही हम सब चाहते हैं कि जीवन में बुद्धि रहे और हमारी बुद्धि की वजह से हम में इतनी सक्षमता रहे कि हम धन कमा सके। इसी के साथ चलिए आपको लिए चलते हैं सीरियल बालम थानेदार की ओर। लो जी, सीरियल की एक और कहानी में शुरू हुआ किडनैपिंग का खेल। सीरियल की दुनिया में अगर एक कहानी शुरू होती है तो लगभग उसी तरह का ट्रैक बाकी सीरियल्स में भी नजर आने लगते हैं। ऐसे में सीरियल मेरा बालम थानेदार भी पीछे नहीं रहा, क्योंकि इस सीरियल में रतन ने बुलबुल को किडनैप कर लिया है, वो भी गोनी में। और रतन कहीं और लेके जा रहा है बुलबुल को, अब कहाँ लेके जा रहा है वो मैं नहीं बताऊंगी, बट डेफिनेटली दे आर नॉट इन राजस्थान, मतलब वो उसको बाहर लेके जा रहे हैं राजस्थान से, और बोरी में पहले बंद किया फिर एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, और उसको सांस भी नहीं आ रही है अंदर बेचारी को, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्पलेस भी है, बट एट द सेम टाइम उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऐसा है कि रावण को जैसे राम जी ने मारा था तेरा भी ऐसा ही होगा रतन को, वो बोलती भी है ये बात। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। बात दरअसल ये है कि रतन बुलबुल से अपना बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने पहले वर्णिका को किडनैप किया था ताकि उसकी वजह से बुलबुल को अपने शिकंजे में कर लेगा। हालांकि बुलबुल ने पहले कोशिश की वर्णिका को बचाने की, लेकिन बेचारी बुलबुल खुद रतन के हाथ लग गई। हालांकि रतन के साथ दृष्टि भी मिली हुई है, क्योंकि वो भी बुलबुल का तो भला बिल्कुल भी नहीं चाहती। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत दृष्टि पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वर्णिका को मैंने इसीलिए उसको किडनैप किया ताकि बुलबुल मेरे पास आए, बुलबुल मेरे कब्जे पे आ जाए उसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि जैसे कि बुलबुल हरे को बचाने के लिए कहीं पे भी कूद जाती है, तो मेरा मकसद ही वो है कि वो तो मेरे हाथ में आई नहीं है, तो मैंने इसीलिए उसकी भतीजी को किडनैप किया ताकि बुलबुल परेशान हो और वो ढूंढते ढूंढते उसे मेरे पास आ जाए। इसलिए मैं उसको बोलता भी हूँ वीडियो कॉल पर कि तू मेरा इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, तेरी फूल कुमारी है ये, मुझे मेरा लेना देना तुझसे है, इसलिए तू जितनी जल्दी होता है मेरे पास आ जा और तेरे लिए बहुत सारे सरप्राइज रखे हैं, बहुत कुछ होने वाला है। एंड फिर भी वो कुछ ना कुछ खेल खेलने की कोशिश करती है, मुझे चकमा देने की कोशिश करती है, लेकिन फाइनली बस वो मेरे आड़े आने ही वाली है। अब बुलबुल तो किडनैप हो गई है, लेकिन होगा यही कि बुलबुल को बचाने उसके थानेदार साहब जरूर आएंगे, ये तो हमें पूरा पूरा यकीन है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।